फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। स्कूल में बच्चों की लड़ाई के दौरान एक नाबालिग बच्चे के गुप्तांग में डंडा डालने के मामले को लेकर आज ईस्ट पॉइंट स्कूल में लोगों का हंगामा हो रहा है। इसी को देखते हुए लोग जो दूसरे बच्चे हैं, परिवार वालों को कहना है कि इस अपराध में 5 बच्चे शामिल थे, जिसमें से कि एक ही बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लिया है और दूसरे बच्चों की गिरफ्तारी के लिए लोग मांग कर रहे हैं। परिजनों को यही कहना है कि जब तक और दूसरे बच्चों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं पूर्व दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली पुलिस हर एक अपराध को रोकने के लिए नाकाम हो रही है। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली के एलजी पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे मामलों में दिल्ली एलजी को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। आज हम स्कूल पे खड़े हैं, ये ईस्ट पॉइंट स्कूल है और लगातार इस स्कूल के अंदर एक बच्चे के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है, बच्चे के परिवार के लोग यहाँ पर हैं और हम सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं और अभी तक सारे जो मुजरिम थे उनको पकड़ा नहीं गया है, जिन्होंने किया था उनको पकड़ा नहीं गया। मैं लगातार कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस लगातार हर क्षेत्र में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम 500 पत्र लिख चुके हैं, उनका ध्यान दिल्ली पुलिस के ऊपर नहीं है। मैं अभी कहता हूँ एक बच्चे के साथ यहाँ हुआ है, आज पेरेंट्सों को चिंता है अपने बच्चों की, अपने परिवार के लोगों की। उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सोचिए उनकी बच्ची जिनके यहाँ पढ़ती होगी उन पर क्या बीतती होगी। मेरी बच्ची भी स्कूल के अंदर पढ़ती है, मेरे पे क्या बीतती होगी, मुझे लगता होगा सिक्योर स्कूल के अंदर। तो आज जो क्राइम दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस घटना पर स्कूल को पार्टी बनाया जाए, स्कूल का लाइसेंस रद्द करने का काम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ करने का काम करें। 15 दिन के अंदर ये दूसरी वारदात पूर्वी दिल्ली के अंदर हुई है मगर अभी तक लगाम नहीं लग पाया है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, दिल्ली पुलिस का कोई ध्यान दिल्ली की कानून व्यवस्था पे नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके अंदर दिल्ली पुलिस सीधा आती है, उनका कोई संज्ञान दिल्ली पुलिस के ऊपर नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, एलजी साहब आप इसके ऊपर संज्ञान लो, हमारे सांसद जिनके अंदर दिल्ली पुलिस आती है वो इस पर संज्ञान ले, वो घर में बैठे हुए हैं साथ के साथ लोग, वो इस पर संज्ञान ले, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करें। सरकार पे क्या एक्शन लेगी? हम तो अभी लेटर लिखूंगा मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, इसके लिए आतिश जी को बोलूंगा वो भी लेटर लिखें। दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहेंगे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करें और इसके लाइसेंस रद्द करने का काम करें। हम अंदर गए थे, बहुत एरोगेंट हैं वो, बहुत उनका व्यवहार जो है बहुत वैसा है, वो ये मानने को तैयार नहीं है स्कूल में घटना हुई है। बच्चा ये कह रहा है, जो बच्चा नाबालिग है वो खुद कह रहा है कि स्कूल में घटना हुई है, प्रिंसिपल अपने आप को बचाने के लिए स्कूल को बचाने तैयार बैठी हुई है। पेरेंट्स का कहना है उनको धमकियां भी मिलनी है स्कूल की तरफ से। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस को, मैंने बोला डीसीपी को भी कि वो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करें, वो उनको बचाएं, स्कूल को बचाने का काम ना करें, वो पेरेंट्स को बचाने का काम करें। सर एक ही बच्चे को इन्होंने पकड़ा है जो सबसे छोटा उसकी क्लास में ही पढ़ता है, लेकिन बाकी के बच्चों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? जो को एक्यूज है वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या कह रही है? प्रिंसिपल कुछ नहीं कह रही है, प्रिंसिपल अपना पल्ला छुड़ा रही है, एसी में अंदर बैठी हुई है, पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है लेकिन हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ जी मैं मिली हूँ, लेकिन क्राइम सीन को अभी तक क्यों नहीं सील किया गया? पुलिस ने पार्टी क्यों नहीं बनाया अभी तक इनको? बच्चा अभी तक कैसा है? पहले अच्छी हालत में वो नहीं है, वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है, दर्द में है वो। क्या कहेंगे जब बच्चे सुरक्षित नहीं है तो बच्चे जब हमारे लड़के ही सुरक्षित नहीं है तो लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी? मैं भी सुरक्षित फील नहीं करती हूँ यहाँ पे। मेरी बहन के लिए जिसके लिए धमकी दी, हमें क्या प्रोटेक्शन दिया? कुछ प्रोटेक्शन नहीं दिया हमें, बहुत धमकियाँ मिल रही है। अच्छा। हमारे हमें नहीं पता कि हमारे कौन कौन दुश्मन यहाँ पे घूम रहे हैं, ये स्कूल वाले हमें धमकियाँ दिलवा रहे हैं, वहाँ से हमें धमकियाँ आ रही है। सर हमारे लिए बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है हम लोग। डीसीपी आपके पास आई? जी नहीं, कोई नहीं आया, ये स्कूल वाले इनके बच्चे के साथ बड़ी हालत हो गई, स्कूल में से कोई नहीं गया उनके पास।